तो ये मेरे ख्याल से एक तो चाइनीज या जापानीज पैटर्न दिख रहा है भाई। ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मेडिटेशन होता है भाई। देखिए वो चक्र जो है, अशोक चक्र जो है, वो घूम रहा है भाई। आपको गाइड नहीं करना है तो यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई दिया है और यहाँ पे लिखा है मुफ्त वाईफाई पगोड़ा ऑडियो टूर गाइड उपयोगिता के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ मुंबई के बोरीवली साइड में। अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पगोड़ा। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीक का जो स्टेशन है वो है बोरीवली। वहाँ से आपको ऑटो करके 15 मिनट में आपको ऑटो छोड़ देगा यहाँ पे पगोड़ा के लिए, और कुछ 60-70 रुपये हो जाएगा आपका बिल। तो चलो भाई आज कल ब्लॉग शुरू करते हैं, तो एंड तक बने रहना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम अंदर एंटर होते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो क्योंकि टिकट काउंटर ये इसलिए कि हमको बोट पकड़ना है और ये समुंदर पार कर, पार नहीं, समुंदर के बीच में है पगोड़ा, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे टिकट रेट है 50 रुपये पर पर्सन, पर आने जाने की टिकट लेना पड़ता है, मतलब 100 रुपये पर पर्सन देना पड़ता है हमें। तो चलो भाई शुरू करते हैं आगे का। तो फाइनली हमारी बोट आ गई है। इस तरह से लाइन लगानी पड़ती भाई, और इस बोट में हमको जाना है और ये बोट हमको ले जाएंगी पगोड़ा। देख सकते हैं आप उधर यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बोट निकल चुकी है पगोड़ा के लिए और हमें जाना है यहाँ पे। पूरी बोट कचाकच भरी हुई है, देख सकते हैं इस तरह की बोट है। तो ये हमें लेके जाएंगी पगोड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये बोट है हमारी रुकी हुई। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आगे पगोड़ा, इसको विश्व विपश्यना सेंटर भी कहते हैं भाई। तो वही देख सकते हैं आप, ये बीच एक लैंड जैसा है ये, और इस लैंड के बीचों बीच में बनाया गया है ये पगोड़ा स्तूप। राइट लोगे तो वाटर किंगडम आएगा, फिर बर्ड पार्क है, स्टाफ एंट्री लेफ्ट साइड में है, और ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा ये आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो हमको जाना है भाई लेफ्ट साइड। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से टिकट देना पड़ता है भाई बोट की, फाड़ के देंगे भैया। लाओ भैया ये रिटर्न टिकट संभाल के रखना है बोलते, नहीं तो बोट नहीं मिलेंगी। ऐसी जाना पड़ेगा तैर के। तो हम जा रहे हैं पगोड़ा की तरफ, काफ़ी लंबा रास्ता है ये, मतलब थोड़ा नागमोड़ी टाइप का है, काफ़ी घूम घूम के जाना पड़ रहा है। तो रास्ते में काफ़ी ये पेड़ वगैरह अच्छा लग रहा है माहौल यहाँ का। तो फाइनली दोस्तों हम एंट्री ले रहे हैं पगोड़ा में। दोस्तों अभी हमने ले ली है अंदर एंट्री, और देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ सरफेस है ये, बढ़िया शानदार, कितना मस्त लग रहा है भाई यहाँ पे आके। पूरा ऐसा लग रहा है मैं भाई चाइना या जापान ओपन में आ गया, उस तरह का लुक आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर वीडियो बनाना हो आपको तो आपको चेकिंग के बाद बनाने को बोलते हैं, पहले चेकिंग में चेक पोस्ट जो है वहाँ पर वीडियो बनाना बैन है। तो देखिए अभी वाह, इस तरफ देखिए घंटा वंटा लगाया उन्होंने, सही है भाई, वो घंटा बजता भी है, लकड़ी से बजाना पड़ता है। और इधर देखिए ये पगोड़ा, वाह कितना भव्य स्तूप है भाई ये, बजा नगाड़ा धर्म का गुंजे चारों ओर, इस तरह ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ से लुक आ रहा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आ रही है भाई, क्या बोलने का। मैं ऊपर जाके भी दिखाऊँगा आपको, यहाँ पर दान पेटी लगाई है इन्होंने, ये मेरे ख्याल से दुनिया का वर्ल्ड ऐसा लिखा है विपश्यना सेंटर है, मतलब मेडिटेशन सेंटर है, वर्ल्ड मेडिटेशन सेंटर भाई इसको कहते हैं, देख सकते हैं आप। और इसके चारों तरफ गार्डन ही गार्डन दिख रहा है हमें, ये देखिए पूरा, जिसका मेन गेट भी यहाँ पे है, मंगल हो पुनः पधारी ये भी हैप्पी विजिट अगेन, ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे। और गेट देखिए आप, ऐसा लग रहा है ना कि कोई चाइना या जापान का गेट है भाई बौद्ध स्तूप का, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है इसका, मतलब मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया। वाह यहाँ पे आके भाई मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस जगह पे रखे, आप देख सकते साफ सुथरा कितना है यहाँ पे, कहीं गंद नहीं मची है। और आप मतलब कोई चाहे भी यहाँ पे गंद मचाना तो नहीं मचा पाएगा भाई, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी जगह पे कौन ख़राब करना चाहेगा, इतना ऐसा प्यारा लग रहा है यहाँ पे।
मुझे तो शूज़ निकाल के जाने की इच्छा हो रही ऊपर, लेकिन सब लोग शूज़ पहन के जा रहे हो तो मैं शूज़ पहन के जाऊँगा। चलो आपको दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा। तो अभी हमने पकड़ ली भाई सीढ़ियाँ और अब जा रहे हैं हम ऊपर। ये हमारी फैमिली है तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए घंटे वंटे इधर देखिए पास से। अरे चार आदमी लगा दिए कंधे पे पकड़ के, ऐसा लग रहा है वो बीच में घंटा लगा दिए। इस तरफ देखिए लोग ये सेम वैसे ही पैटर्न है लेकिन घंटी है बीच में, तो उसको बजा रहे लकड़ी का देखो घंटा ऐसा, और फोटोशूट वगैरह करने के लिए सही है। चलो बढ़ते हैं भाई आगे। वाह, तो मेरे वीडियो के फ्रेम में भी नहीं समा रहा, इतना बड़ा है इसका हाइट। मेरे ख्याल से ये भाई 100 फुट के ऊपर ही होगा, मतलब 100 फुट भी नहीं, 100 मीटर के ऊपर होगा ये भाई। 100 फुट तो बहुत छोटा हो गया, 100 मीटर के ऊपर दिख रही है। देखिए पूरा ऐसा देखना पड़ रहा मुझे। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरफ जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हाथ जोड़े हुए, इधर 2 पुतले लगाए गए हैं और इस तरफ 2 पुतले लगाए गए हैं ब्लू कलर में शेड में, देख सकते हैं आप। ये देखिए, और यहाँ से भी ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा है भाई। वाह, धूप पूरे सर के ऊपर है मेरे, मतलब सूरज पूरे सर के ऊपर है मेरे, तो पूरा हाँ थक गया भाई ऊपर चढ़ के। चलो चलते आगे। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 हाथी है मार्बल के बने हुए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप देख सकते हैं। और वो जिस पोजीशन में है, मतलब भगवान बुद्ध को नमन करने की पोजीशन में है वो, ऐसा दिखाया गया है। और यहाँ पे नीचे में यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पे मेडिटेशन होता है। और ये देखिए पैगोड़ा, वाह क्या आर्किटेक्चर है भाई, कमाल का आर्किटेक्चर है, थोड़ा गोल्डन कलर में सही लग रहा भाई। ऐसा जितना ऊपर देखोगे गर्दन दुख जाएगी, लेकिन वो मोबाइल में नहीं समा पा रहे मैं। सही है, तो बेचारी फ़ोटो से निकालते हुए हमारी वृशाली। सही है, इस तरफ भी कुछ नया निर्माण हो रहा है देख सकते हैं आप। मतलब पैगोड़ा के जो केयर टेकर लोग हैं वो शायद यहाँ रहते होंगे, तो उनका भी वैसा ही डिज़ाइन है रहने पीने रहने वहने का। देखिए थोड़ा आर्किटेक्चर उससे वैसा सेम दिया है ताकि मैच हो जाए पैगोड़ा से। इस तरफ ये तो कुछ नया निर्माण दिख रहा है और लोग इसको थोड़ा प्रदर्शिना टाइप मारते हैं, तो हम भी मारेंगे जाएंगे उधर और आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। उस तरफ भी कुछ तो भी दिख रहा है, धम्म चक्र दिख रहा है, अशोक चक्र का सिंबल है भाई वो। चलते भाई आगे। हाँ देखिए काम चालू है, आप देख सकते हो, आप आज भी दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ये काम चालू है ऊपर, पेंटिंग का चालू है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सामने में मुझे ये मार्बल का पत्थर दिखा है, यहाँ पे पूरा लिखा है मुख्य पगोड़ा दर्शन किधर है, मतलब डायरेक्शंस पूरे हैं, रंगभूमि, अशोक स्तंभ, दक्षिण पगोड़ा, शौचालय वगैरह किधर जाना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर पे भाई। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ट बने हैं, यहाँ पे कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, जैसे कि वर्ण रंग से मानवी ऊँच नीच ना होए, काली गोरी गाय का दूध एक सा होए, ऐसा कुछ अच्छे स्लोगन्स है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आप इसके ये देखिए स्तंभ देखिए यार, आर्किटेक्चर देखिए क्या ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पे आके लोग अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करने आते हैं, फैमिली पिकनिक के लिए आते हैं यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे आओ तो सुबह निकलो भाई, मेरे ख्याल से लास्ट बोट जो रहती वो 6 बजे की रहती शाम में, उसके बाद सारी बोट्स बंद हो जाती है, तो उसके पहले ही आइए, दिन भर में कभी भी आइए और इन्जॉय करिए दिन भर यहाँ पर पैगोड़ा में आके। वाह बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये मुख्य पगोड़ा प्रवेश है अंदर, मेडिटेशन सेंटर जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज लकी लिए चालू है, तो दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा। तो एंड तक बने रहिए भाई मेरे साथ, इधर हमें शूज़ निकालना है और फिर अंदर जाना है, तो चलो शूज़ निकाल लेते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेशन होता है। देखिए मेडिटेशन हॉल देखिए कितने शांति है यहाँ पे, और हमको यहाँ से एग्ज़िट भी करना है। ये देखिए ऊपर का सरफेस देखिए आप, वाह ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मेडिटेशन होता है भाई, ज़बरदस्त क्या प्यारा लग रहा है भाई, यहाँ से स्तूपा अंदर से बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे ही नहीं बोलते भाई, विश्व मेडिटेशन पो पगोड़ा सही है भाई, बहुत प्यारा है। देखिए आप, आई होप आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा हॉल है भाई ये स्तूप के अंदर में। सही है, बस यहाँ से पूरा बंद है एंट्री। चलो निकलते हैं बाहर, हम इतना ही था भाई, इतना ही दिखाने देखने दिए हमको। मेडिटेशन सेंटर से बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ पे देखिए धम्मा चक्र बगीचा यहाँ पे लिखा है, व्हील ऑफ धम्मा गार्डन, तो एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर सा गार्डन दिख रहा है भाई, देख सकते हैं आप इधर गार्डन, और बीच में ये हरिन वगैरह बनाए हैं फ़ोटोशूट करने के लिए, और ये है
धम्म चक्र पवत्तन, पवत्तन लिखा है भाई यहाँ पे, व्हील ऑफ धम्मा क्या है, रोटेट्स। ओके, देखिए वो चक्र जो है, अशोक चक्र जो है वो घूम रहा है भाई। सम्राट अशोक की भाई ये निशानी है, हमारे तिरंगे पे भी है ये अशोक चक्र, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे भी फ़ोटो वोटो निकालने के लिए काफ़ी सही है। पवत्तन लिखा है यहाँ पे, प्रवर्तन बोलते हैं हमारे इधर विदर्भा में, सही है भाई। ये देखिए छोटा सा गार्डन, उधर फूड कोर्ट है, थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर जाते हैं। तो जैसे ही हम गार्डन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ तो भी बना है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, आकाश देव देवी देवता है समथिंग, ऐसा कुछ तो भी है यहाँ पे ये बनाया हुआ। और इस तरफ ये हमारा स्तूप है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का माहौल, मतलब घूमने लायक, सही है भाई। पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, पूरा फैमिली के साथ आइए और फुल इन्जॉय करिए, मस्त है यार ये, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप यहाँ से काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ लेके जाओगे घर। यहाँ पे उस तरफ देखिए दो स्टैचू लगाए गए हैं, सॉरी वो दिखा था आपके पास से। तो स्टैचू के पास जाने से पहले आप देखिए यहाँ पे ये मैप लगा हुआ है, ये पूरे पैगोडा का मैप है ये, आप यहाँ से पढ़ के आप पूरा जज कर सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है। और इधर देखिए ये गार्डन वगैरह का पूरा सरफेस एरिया है, इस तरफ भी देखिए कुछ बना है, ये थोड़ा आश्रम, मतलब जो लोग मेडिटेशन करने आते हैं भारत से ही नहीं तो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनके रहने पीने की खाने पीने की व्यवस्था सब इधर करती है शायद, और जो यहाँ के केयर टेकर है उनकी पता बता दिया मैंने आपको कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सत्यनारायण गोयनका और इलकाईची देवी गोयनका। ओके, तो यहाँ पर देखिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, और ये जो कहा जाता है ये इस जगह के असली मालिक है ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे उनके बारे में लिखा भी है ये ना, श्री सत्यनारायण गोयनका और श्रीमती इलायची देवी गोयनका के बारे में। तो वहाँ पे पूरा आप ये पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा है भाई। हाँ, तो इनको यहाँ का ऑनर भी कहा जाता है, उन्होंने ये सब जगह दी थी ऐसा कहा जाता है भाई। इस तरफ भी देखिए ये प्ले गार्डन है बच्चों के लिए, छोटा सा गार्डन बनाया है, इस तरफ खेलने कूदने की व्यवस्था है, फाउंटेन है वहाँ पे छोटा सा, और ये उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये जो मूर्ति बनाई गई है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। देखिए वो कौवा भी जो बैठा है ऊपर बैठा था, सही लग रहा है, सही है। और इस तरफ हम देखेंगे तो ये अशोक स्तंभ आप कह सकते, ये जो स्तंभ है हमें दिख रहा है अभी, मैं जा रहा हूँ उसके पास, ये स्तंभ के ऊपर में जो हमारे नोटों के ऊपर रहते शेर, तीन शेर और अशोक चक्र देख सकते हैं आप, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो वोटो निकालने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये, देख सकते हैं आप यहाँ से, ये देखिए भाई ज़बरदस्त पूरा नज़ारा देख लीजिए आप, सही है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हम गार्डन से होके बाहर निकलते, देखते हैं और आगे क्या है। तो इस स्तूप के बारे में अगर आपको कोई भी अगर जानकारी अगर चाहिए रहेंगी, अगर आप पता नहीं आपको कुछ इसके बारे में, आपको गाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई दिया है और यहाँ पे लिखा है मुफ्त वाईफाई पगोड़ा ऑडियो टूर गाइड उपयोगिता के लिए, मतलब आप यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके फ्री में इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है भाई। तो ये भी एक सही है, ये मैंने कहीं देखा नहीं था अभी तक किसी भी धार्मिक स्थल पे, तो ये एक नया अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो बढ़ते आगे। तो अभी तो मैं वापस आया हूँ वहाँ से, लेकिन अगर आप चाहे तो एंट्री में ही राइट अगर आप लोगे, इस स्टैचू के बाजू में आपको भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी, और वो भी थोड़ा सा जापनीज़ या चाइनीज़ पैटर्न में, तो वो बहुत ही अच्छी है, तो वो आपको दिखाता हूँ। हम मूर्ति की तरफ भी जा रहे हैं, इस तरफ आप दोनों साइड में देखोगे तो गार्डन है बहुत बड़ा, और ये देखिए ये आपको दिखाया था मैंने, ये घंटा वंटा बजाने वाला आइटम, सही है। यहाँ पे लोग पूरा घूम फिर के आने के बाद टिफ़िन वगैरह खा रहे हैं, थके आ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गार्डन का मज़ा ले रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बुद्धा मूर्ति के पास, देख सकते हैं यहाँ पे ये फीमेल बुद्ध भिक्षु जी है, भिक्कुनी, और यहाँ पर है भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा, देख सकते हैं आप, और जिस पैटर्न में ये बनी हुई है तो ये मेरे ख्याल से एक तो चाइनीज़ या जापनीज़ पैटर्न दिख रहा है भाई, देखिए बहुत ज़बरदस्त मूर्ति है ये। और उसके नीचे, मूर्ति के नीचे जो कुछ उनके लाइफ में हुआ है, जब वो जन्म से लेके तो उनके मृत्यु तक पूरा यहाँ पे पत्थरों में कोरा गया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर आँखों को मंत्रमुग्ध करने वाली ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, वाह।
और यहाँ पे लिखा हुआ है महामानव बुद्ध की महान विद्या विपश्यना उद्गम और विकास, देख सकते हैं आप। वाह, इस तरफ भी है स्तूप दिख रहा है, यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और सूरज डूबने को है, और जो सूरज की जो किरणें हैं वो भगवान बुद्ध के ऊपर गिर रही है, तो उसकी वजह से ये जो मूर्ति है वो सुंदर काफ़ी निखर के आ रही है, देख सकते हैं आप। वाह, और इस तरफ फ़ोटोशूट चल रहा है हमारे इधर का, सही है भाई। ये देखिए यहाँ पे ये भगवान बुद्ध का हाथ है ये ऐसा, और यहाँ पे भवतु सब मंगलम लिखा है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जस्ट मूर्ति के सामने है, इन फ्रंट ऑफ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। यहाँ भी फ़ोटो वोटो निकाल सकते हैं, बच्चों को खेलने की व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब वाह यार, यहाँ पे आना मतलब बहुत ही मन को सुकून शांति सब मिलता है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यार, सही है। तो यहाँ पे एग्ज़िट लेने से पहले यहाँ पे हमें एक शॉप से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बुद्धा स्टैचू एंड ऑल रखे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टैचू, मतलब ऐसे कम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं हाथी है, अलग अलग प्रकार के बुद्धा मूर्ति है, वाह। तो दोस्तों फाइनली शाम हो गई है, देख सकते हैं सूरज डूब रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है सूरज डूबते हुए भाई। और मैंने आपको सारा कुछ यहाँ का दिखा दिया, पैगोडा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, इस वीडियो को भी हिट करा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।